समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, इसको एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया कि कोर्ट में तथ्य पेश नहीं किए गए, सही तरीके से कोर्ट में इस मामले को पेश नहीं किया गया। यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब हमलावर बीजेपी पर। हाँ, का फैसला निकाय चुनाव को लेकर के आ गया है और सरकार की और सरकार के अधिकारियों की लापरवाही और उनकी मंशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि पिछड़े समाज का आरक्षण कैसे छीने, उसका नेतृत्व कैसे खत्म करें, उसकी भागीदारी कैसे कम करें। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचती थी उसी हिसाब से उसने माननीय न्यायालय के सामने पक्ष रखा। ये सरकार का निकम्मापन है, अधिकारियों का निकम्मापन है। ये सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग बना करके सर्वे करा करके पिछड़ों को आरक्षण दिला सकते थे, क्योंकि बीजेपी पिछड़ों को आरक्षण दिलाना ही नहीं चाहती है। तो जो बीजेपी की मंशा थी उसी हिसाब से उन्होंने पैरवी की और वही परिणाम आपके सामने है।